दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लें। उसके बाद ही आप लोग कन्फर्म करें कि आपको लाइक करना है वीडियो या फिर डिसलाइक करना है। कमेंट किस तरह से आपको करने हैं ये आप लोग लास्ट में डिसाइड करना है, उससे पहले आप लोग पूरा वीडियो देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक नई वैकेंसी निकाली गई है और आप इंडियन एयरफोर्स को 2020-21 बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कुछ खबर है, हम आपको डिटेल में समझाएंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आपको सीधे एक नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर हुआ है और आगे क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा है कि हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट, यानी ग्रुप सी के अंदर आपकी जो पोस्ट है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि निकाली गई है। आगे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर नौकरी या जॉब मिलने वाली। ये ट्रेड्स हैं आपकी, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, हाउस कीपिंग स्टाफ हो गया, मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, कुक, कारपेंटर, पेंटर या फिर आपका ये बल्केनिस्टर, या यहाँ पर आपको इस तरीके से पोस्ट यहाँ पर मिलने वाली है। अगर एज की हम बात करें तो एज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और ओबीसी में आपको 3 साल के लिए और एससी एसटी में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप विडो या फिर डिवोर्स्ड वुमेन हैं तो फिर आपको 10 साल का भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए आपको यहाँ पर 18,000 रुपये, कारपेंटर को 19,900, पेंटर को 19,900, हाउसकीपिंग स्टाफ को 18,000 रुपये, कुक को 19,900 रुपये, मैच स्टाफ को 18,000 रुपये, कुछ इस तरह से आपकी पे स्केल यहाँ पर रखी गई है। आपकी एज मैंने बता दी 18 से 25 साल रखी गई है। ग्रुप सी के अंदर ये सारी भर्ती निकाली गई है। अगर यहाँ पर अप्लाई की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है और 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फिल करके भेजना है। तो किस तरह का फॉर्म है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, एक मिनट आपका टाइम लेंगे। तो आप लोग नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कुछ इस तरह का फॉर्म यहाँ को ये जो है आपको फिल करके वहाँ पर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि यह कहाँ से आया और किस तरह मैं आपको क्यों ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो देखिए, हमेशा की तरह जैसा कि मैं आपको दिखाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि आपका एक चैनल है डिफेंस स्टडी चैनल, उस पर आपको इस तरह के नोटिफिकेशन जो हैं वो थोक में मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर ऐसे नोटिफिकेशन या तो आपको नोटिफिकेशन एडिट करके दिखाया जाएगा या फिर कोई पुराना नोटिफिकेशन जो होगा जिसमें कोई डेट वगैरह नहीं होगी वो आपको दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्ट अभी ये वीडियो डाला गया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग वो वीडियो देखना। उस पर उन्होंने बताया है, ताजुब की बात यह है कि उन्होंने बताया है कि 2 अगस्त आपकी जो है वो लास्ट डेट यहाँ पर आपकी रखी गई है। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन को गौर से देखेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर डेट नहीं दिखेगी। तो 110% मैं आपसे कहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है वो एकदम फेक नोटिफिकेशन है और ये जो पुराना नोटिफिकेशन है उसी को यहाँ पर वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि ये अब बहुत हो चुका, इनका क्या काम है कि ये बस ये पुरानी जो खबरें होती हैं या जो पुराने नोटिफिकेशन होते हैं या फिर जो एडिट किए हुए फेक नोटिफिकेशन होते हैं केवल वही आप लोगों के बीच प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि इनके पास रियल न्यूज़ कुछ भी नहीं होती, बस आपको गुमराह करने के अलावा आपके पास या फिर इनके पास कोई भी काम नहीं होता है। तो ऐसे चैनल को आपको सपोर्ट करना चाहिए, इन्हें लाइक शेयर करना चाहिए या फिर ऐसे चैनल को आप तुरंत ही अनसब्सक्राइब करें। मैं आपसे ऐसा कहना चाहूँगा, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, बस मैं आपसे ये कहूँगा कि उन चैनल्स के साथ जुड़े रहें जो आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छी न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देखता हूँ इनके 100 में से 90% ऐसे वीडियो होते हैं जो कि ना तो कोई भर्ती होती है, सिर्फ इनका एडिटिंग का कमाल होता है और ये एडिट की हुई सारी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरा वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पर आपको कई वीडियो ऐसे मिलेंगे जो कि इस बारे में बताएंगे और ये भी आपको पता चल ही जाएगा कि ये जो खबर है या फिर ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो 100% फेक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम शांत नहीं बैठने वाले, हम लगातार इस बारे में आपको जागरूक करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि ऐसे नोटिफिकेशन पर विश्वास मत कीजिए, ऐसे चैनल्स पर मत रहिए, ऐसे लोगों के बीच आप लोग मत रहिए, उनसे मत जुड़िए जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं और आपको गलत न्यूज़ ही प्रोवाइड कराते हैं। तो ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, फ्यूचर आपका है, तो आपको सोचना है कि किन चैनल्स के साथ जाना है, अच्छे चैनल्स के साथ या फिर ऐसे चैनल्स के साथ जो केवल और केवल आपको गुमराह करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो आप लोग ज़रूर देख कर जाएँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस नोटिफिकेशन की तो आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वरना आप
जब डिफेंस स्टडी चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, तो उस पर क्लिक करने के बाद ही आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आप थोड़ा जागरूक बनेंगे और जागरूक बने रहेंगे और दूसरों को भी करते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ लेते हैं इस वीडियो में विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। जाते जाते फिर से कहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है 100% फेक है, मतलब कि ये पुराना है, इसमें आपकी कोई भी नई अभी तक वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।